अब आप मैड्रिड सिस्टम के बारे में जरा बताएं लोगों को कि मैड्रिड सिस्टम क्या है। सर, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने लास्ट 2021 में मई में 24 मई को ये एग्रीमेंट साइन किया। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। मैड्रिड एग्रीमेंट जो है वो एक ट्रीटी है इंटरनेशनल, जो के जिम्मेदारी है वाइपो की। वाइपो जो है एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिल्कुल पूरी दुनिया में आईपी के मामलों को, उनकी लेजिस्लेशन जो है क्लासिफिकेशन वगैरह, और उनको रेगुलेट करते हैं तमाम चीज़ों को, और ट्रीटी साइन करना और उनको हैंडल करना, जितने भी आईपी के दुनिया है उन सबको एक जगह करना और उनके दरमियान बिल्कुल ब्रिजिंग का काम करता वाइपो जो है। वाइपो ने एक एग्रीमेंट जो है वो एक एक ट्रीटी इंट्रोड्यूस कराई, और उसमें उसने ये कहा जी कि ऐसा होना चाहिए कि जितने भी ममालिक हैं दुनिया के वो आपस में एक दूसरे के साथ आईपी में, पर्टिकुलरली ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन में, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकें। देखिए, बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप जापान में रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, यूएसए में कराना चाह रहे हैं, कनाडा में कराना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कराना चाह रहे हैं, तो आपको उन ममालिक में जाना पड़ेगा, उनके वहाँ के जो लॉयर्स होंगे उनकी सर्विसेज आपको हायर करनी पड़ेंगी, फिर आपको उनकी फीस उनके लोकल कंट्री में देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल आप जापान जाते हैं या मलेशिया या इंडोनेशिया या किसी चाइना में जाते हैं, तो आपको अपनी एप्लीकेशन की ट्रांसलेशन भी देनी पड़ती है। अब आपको ट्रांसलेशन के पैसे भी आपको भरने हैं, आपको वकील की फीस भी वहाँ पे देनी है, आपको जाना भी है, आप ये सारी चीज़ें करनी है। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके इसको जो समराइज़ कर दिया वो वाइपो ने ये किया कि मैड्रिड एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस करा दिया, वो लॉन्च हुआ। अब मैड्रिड एग्रीमेंट जो है चूँकि वो मैड्रिड में हुआ था, साइन हुआ था, तो इसलिए उसका नाम, जैसे बिल्कुल हमारे शिमला मुआहदा था बिल्कुल हमारे दीन में, हमारी जो इस्लामी जो हिस्ट्री है बिल्कुल उसमें सुलह हुदैबिया, सुलाए दे तो वो बिल्कुल इसी तरीके से मैड्रिड जो है वो चूंकि मैड्रिड एक स्पेन का एक शहर है मैड्रिड, तो वहां पर ये बिल्कुल ट्रीटी साइन हुई, तो उसका नाम ही उन्होंने मैड्रिड के नाम से दे दिया। इसी तरह ट्रेडमार्क में एक नीस क्लासिफिकेशन के नाम से आती है, जो उसकी क्लासिफिकेशन को बताती है ट्रेडमार्क की, तो उस क्लासिफिकेशन का नाम नीस क्लासिफिकेशन इसलिए रखा गया कि वो नीस के शहर में बिल्कुल साइन हुई थी। तो इसी तरीके से लेकिन वियना दरमियान में स्विट्जरलैंड का क्या था लेकिन स्विट्जरलैंड सर देखिए, वो मैंने आर्ज किया ना आपको कि वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बिल्कुल ठीक है जी, उसने तमाम आईपी ऑफिसेस को जमा करना है, फंडिंग है, मतलब हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में। बुनियादी तौर पे हेड हाँ ऑफिस है वही ना, जी, जी बिल्कुल, जितने आईपी ऑफिसेस हैं उनके क्योंकि वो हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में था, ट्रीटी साइन हुई थी मैड्रिड में, सर, इसलिए उसको मैड्रिड कह उसको दिया। मैड्रिड का नाम दिया गया।